नमस्कार, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Adobe Express को यूज करके कार्टून एनिमेटेड वीडियोस आप कैसे बना सकते हो। जो Adobe Express यूज करता है वो जानते होंगे कि इसमें केवल आप एक बार में एक ही कैरेक्टर पर एनिमेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्टोरी के अंदर एक ही सीन के ऊपर 2-3-4 कैरेक्टर हैं तो वो फिर कैसे दिखेंगे एनिमेशन के अंदर, पूरा बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखना, इसमें स्टोरी लिखना, वॉइस को रिकॉर्ड करना, एनिमेशन करवाना, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। ग्रीन स्क्रीन कैरेक्टर कैसे बना सकते हो इसके बारे में भी जानकारी दूंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हम Adobe Express की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्विक एक्शन के अंदर जाना है, एनिमेट फ्रॉम ऑडियो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे, एनिमेट फ्रॉम ऑडियो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे। अब इसके अंदर कैरेक्टर की लाइब्रेरी जो है वो बहुत छोटी है, इसमें लिमिट लगा रखी है, उतने इसमें ज़्यादा आपको कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, देखिए कैरेक्टर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें आप देखोगे कि कैरेक्टर्स की इसमें लाइब्रेरी बहुत छोटी है, लिमिटेशन है। कैटेगरी पे क्लिक करके अलग अलग कैरेक्टर देख सकते हो, लेकिन मुश्किल से इसमें 200-400 कैरेक्टर होंगे। बैकग्राउंड्स में आपको क्या करना होता है कि आपकी कोई स्टोरी है जिस हिसाब से आपको अगर बैकग्राउंड चाहिए तो वो आप इसमें ले सकते हो। यहाँ पे एक तो होता है कस्टम कलर, इसमें आप कोई भी कलर का बैकग्राउंड पीछे ले सकते हो, और यहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसी वेबसाइट पर बैकग्राउंड्स दे रखे, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसको मैंने लगा दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे साइड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो वीडियो बना रहे हो वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो। यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे YouTube के लिए ही अधिकतर लोग एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। शॉर्ट्स वीडियोस बना रहे हो, लैंडस्केप वीडियोस बना रहे हो, यानी कि लॉन्ग स्क्रीन लॉन्ग वीडियोस। लैंडस्केप के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपको ऐसा बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा। अब ये एनिमेशन इसका तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आप ऑडियो ब्राउज करके या फिर रिकॉर्ड करके एनिमेशन करवाओ, लेकिन आप स्टोरी भी लिखना है तो स्टोरी कैसे लिखोगे, तो बहुत आसान है स्टोरी लिखना। स्टोरी कैसे लिखते हैं तो उसके लिए आपको ChatGPT के ऊपर आना है, यहाँ पे आपको साइनअप कर लेना है। यहाँ पे देखो आपको प्रॉम्प्ट एंटर करना है। अब प्रॉम्प्ट आप हिंदी इंग्लिश में भी एंटर कर सकते हो, हमारी ऑडियंस हिंदी वाली है तो हमने ये हिंदी में प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया। इसमें क्या लिखा, जैसे किसान और उसके बेटे की कहानी है और उसमें डायलॉग के साथ सीन में लिखना है, ये हमने ChatGPT को बोला है और हम एंटर करेंगे। अब देखते हैं ये ChatGPT क्या लिख के देता है। इसमें खास बात ये है कि जो सीन है वो भी आते हैं और कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है ये डायलॉग्स भी इसमें लिखे हुए मिलते हैं, जिससे कि आपको किस कैरेक्टर के क्या डायलॉग से वही आपको क्या करने पड़ेंगे, बाद में वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये ChatGPT स्टोरी को जनरेट कर रहा है और ये स्टोरी कॉपीराइट फ्री होती है। जब तक ये जनरेट करता है मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करोगे। वॉइस को रिकॉर्ड करने का सिंपल ऑप्शन है, या तो आप खुद अपने मुँह से वॉइस को रिकॉर्ड करो जैसा कि वॉइस आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको चैनल मोनेटाइज करना है तो आपको खुद की ही वॉइस यूज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर आप AI का यूज़ करना चाहते हो तो AI वॉइस जनरेट करने के लिए आप 11 लैब्स को यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप फ्री में वॉइस जनरेट कर सकते हो, या फिर आपको morph.ai ये जो वेबसाइट है इसमें आप 10 मिनट तक का फ्री में ऑडियो जनरेट कर सकते हो। दोनों वेबसाइट मैंने बता दी है जहाँ से आप ऑडियो जनरेट कर पाओगे। ऑडियो को जनरेट कैसे करना है, जो कैरेक्टर बोल रहा है, जैसे ये किसान रामू, किसान का क्या नाम है, रामू, उसका बेटा आदित्य है, इसने ये ChatGPT ने स्टोरी लिख के दे दी। अब आपको क्या करना है, जैसे किसान का है तो किसान की जो लाइन होगी वो आपको क्या करनी है, पहले अलग अलग सबकी जनरेट कर लेनी है, किसान किसान के सारे डायलॉग जनरेट कर लेने, फिर उसका बेटा रामू जो भी है उसकी आदित्य बेटा आदित्य तो उसकी जितना भी डायलॉग से वो सारे रिकॉर्ड कर लेने और एक ही बार में एनिमेशन करवा लेना है। ये मैं जानता हूँ कि जो AI एक्सप्रेस के अंदर आप Adobe एक्सप्रेस में आप ये जो यूज कर रहे हैं एनिमेशन करवाना चाहते हैं वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगता जितना कि यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं। ये केवल एक आपकी एंटरटेनमेंट के लिए कि आपने कुछ एनिमेशन कर दिया, बाकी जो जैसे मैं एनिमेशन सिखा रहा हूँ जो वास्तविक तरीका होता है उसको करने के लिए तो आपके पास में स्किल होनी ही चाहिए, बिना स्किल के काम नहीं हो सकता है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे ये कि डायलॉग इतना सा है किसान का, मैं क्या करता हूँ 11 लैब्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ प्ले करता हूँ, AI वॉइस को सुनता हूँ। बेटा जल्दी से आ जा, बारिश शुरू होने वाली है। आदम की वॉइस लेनी पड़ेगी क्योंकि बेटा जल्दी से आ जा, बारिश शुरू होने वाली है। वॉइस सुन लेना थोड़ी, बेटा जल्दी से आ जा, बारिश शुरू होने वाली है। ये डेनियल वाली वॉइस एकदम बढ़िया है, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद में एक काम और करते हैं, ये बेटा आदित्य की, अब आदित्य की वॉइस है इसकी जगह पे, आप वो देख लेना है ना, इसमें ये किसान की जितनी भी वॉइस है आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐसे पैराग्राफ्स, ये जितने पैराग्राफ्स हैं ना, ये इस तरीके से ये पैराग्राफ सारे एक में आपको लिखने पड़ेंगे, उसके बाद में आदित्य जो भी है ये कैरेक्टर उसके आपको एक बार में जनरेट कर लेना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, दिमाग लगा के कर लेना, और उसके बाद में बेटा थोड़ा अलग वॉइस होगी इसकी। बापू मैं बस बगीचे में थोड़ा काम कर रहा था। ठीक है, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया, वॉइस डाउनलोड का काम हो गया, दो मैंने प्लेटफॉर्म बता दिया, या तो 11 लैब्स यूज़ करो या फिर morph.ai यूज़ कर लो, 10 मिनट तक का इसमें फ्री होता है, 11 लैब्स के अंदर थोड़ा सा आपको अलग अलग ईमेल आईडी यूज़ करनी पड़ेगी। स्टोरी लिखने के बाद में, वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद में Adobe Express के अंदर आओ, यहाँ पे अब कैरेक्टर की बारी आती है, कैरेक्टर आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से चूज करना पड़ता है, उसका एनिमेशन कैसे होगा, इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए उतना बेस्ट इसमें नहीं हो सकता है जितना कि आपको चाहिए, यूट्यूब पर जो आप वीडियोज देखते हो, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जो ये सारी कहानियाँ हैं वो इस तरीके से नहीं बनी हुई है, इसके लिए एनिमेशन स्किल की ज़रूरत होती है, और मैंने अपना एनिमेशन का पूरा कोर्स भी दे रखा है, ये आप वेबसाइट पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एनिमेटेड वीडियो कैसे बना सकते हो, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, किस टाइप की वीडियोस आप बना सकते हो, ये पूरा जो कोर्स है वो 2D एनिमेशन का कोर्स है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या रिव्यू किया है वो पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी लेने के बाद में कोर्स एनरोल करके आप कंप्यूटर पे एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखोगे, बिना प्रैक्टिस के एनिमेशन वीडियोस नहीं बना सकते हो, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये जो सारे आपको कार्टून वीडियोस देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब पर, ये सारे एनिमेट्स इसी के अंदर बने हैं, अगर 2D एनिमेशन वीडियोस है तो, इसीलिए एनिमेशन बनाने के लिए आपको स्किल सीखने की जरूरत पड़ेगी, Adobe Express तो आजकल काफ़ी फेमस है और इसमें लोग एनिमेटेड वीडियोस बना रहे हैं, इस मकसद से ही मैंने ये भी वीडियो बनाया ताकि आप तक एक्सप्रेस की जानकारी मिल सके, बाकी आप इसके अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो कैरेक्टर मैंने लिया है किसान का, अब किसान का कैरेक्टर इसमें होगा या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा, अगर है तो हम उसको देख लेते हैं, ये लड़का तो चलो मिल जाएगा, ये वाला देख लेते हैं, कोई अगर ओल्ड कैरेक्टर हो जिसको थोड़ा एज में हो वो इसमें हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ यंग प्रोफेशनल, चलो इसको सेट कर देते हैं क्योंकि ये ओल्ड दिख रहा है, वो डाउनलोड होगा थोड़ा सा, तो जैसे हमने ये वाला कैरेक्टर ले लिया, अब जैसे कई बार क्या होता है कि या तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसमें ऑडियो डाल के ये जो ब्राउज दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जो डाउनलोड किया था वो पेस्ट करेंगे, जैसे ये वाली वॉइस मैंने इस किसान की जो वॉइस थी वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, वॉइस अपलोड करने के बाद में यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर आपको स्टोरी का बैकग्राउंड वही चाहिए जैसे अभी इसमें जो दे रखे हैं वही चाहिए, या कस्टम अगर अपलोड करना है तो कस्टम का लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, ये अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में से फ़ोन में से जो भी बैकग्राउंड से वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और उसके बाद में आप इसमें वापस से जनरेट पे क्लिक करके इस एनिमेशन को जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप ग्रीन स्क्रीन कैरेक्टर्स कैसे बनाओगे, क्योंकि अगर एक ही स्टोरी के अंदर आपको मल्टीपल कैरेक्टर यूज़ करने एक ही स्क्रीन पे, जैसे कि ये सीन आ रहा है तो इसमें आपको 2-3 कैरेक्टर दिखाने तो वो कैसे करना होता है, उसके लिए देखो क्या होता है, जैसे आपने एक कैरेक्टर है इसका आपने कस्टम कलर क्या ले लिया है, ग्रीन कलर ले लिया है, यहाँ से आप जाके इसका कलर आप ले लोगे ग्रीन कलर, इसमें आप क्या करोगे एक ग्रीन कलर ले लोगे, यहाँ से आप फाइंड कर लेना गूगल पे ग्रीन कलर का कलर कोड भी मिलता है वो भी आप डाल सकते, कलर कोड यहाँ पे डालने के बाद में ये कलर कोड डालना है तो भी यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर कोड डाल सकते हो, कस्टम बैकग्राउंड डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं जैसे कि पिता पुत्र दोनों आमने सामने दिखाने हैं तो ये तो इसमें हो नहीं सकता है, तो वो कैसे करना है, एक यहाँ से आप क्या करोगे पूरा ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो जनरेट कर लोगे, जैसे कि प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं एक बार, इसको पूरा हम रेंडर करके देखते हैं, तब तक मैं आपको और चीज़ें समझा देता हूँ यहाँ पे जनरेट होने के बाद में क्या करना होता है। नेक्स्ट आता है आप किसी भी वीडियो एडिटर को ओपन करो, ओपन करने के बाद में क्या करो, जैसे आप देखोगे ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो थी, ये ग्रीन स्क्रीन है, प्ले करके सुनाता हूँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। नमस्ते बालको, कैसे हो, आज हम Adobe Express की मदद से कार्टून वीडियो बनाना सीखेंगे, चलो चलो वीडियो देखो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, देखो ये डिलीट करता हूँ मैं एक बार, हमने क्या किया यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन का ऐसे ही कैरेक्टर जो अभी हम जनरेट कर रहे हैं ना, ये जो हम क्रोम के अंदर ये सब जनरेट कर रहे हैं, ये देखो एक्सपोर्ट हो रहा है ये भी, उसी समय उसी टाइप से हमने क्या किया, एक ये एक्सप्रेस के अंदर ये ग्रीन स्क्रीन वाला कैरेक्टर बना लिया और इसके एनिमेशन करवा दिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी वीडियो एडिटर होता है, चाहे आप फ़ोन में काइन मास्टर VN कैपकट यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर पर भी सेम VN कैपकट फिल्मोरा मोवावी ये यूज़ कर रहे हो,
तो सबके अंदर देखो एक ग्रीन स्क्रीन का क्रोमा की का ऑप्शन आता ही है। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट बस एक ग्रीन कलर को पिक कर लो। जैसे कलर पिक करोगे तो हो सकता है देखो कुछ ये सेटिंग्स बिगड़ जाए, तो यहाँ से आपको क्या करनी पड़ेगी, इस सेटिंग्स को सही करना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको इसमें देखना पड़ेगा, दस पे इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। अब उसके बाद में जैसे कि आप क्या देखोगे, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ करो, सबके अंदर आप ये काम कर सकते हो, बेसिक होता है ये। जैसे अब एक कैरेक्टर इस तरफ दिख रहा है आपको, और इसके डायलॉग्स क्या है दिखा देता हूँ। पीछे मैंने बैकग्राउंड लगा दिया ये, आप इसकी जगह पे कोई खेत का बैकग्राउंड है, किसी घर का बैकग्राउंड है, जो सीन आपको दिखाना है वो लगा सकते हो। जैसे ये नहीं दिखाना था, एक मिनट, जैसे ये नहीं दिखाना है आपको, कोई और बैकग्राउंड दिखाना है, एक बार मैं ले सकता हूँ। फ्री पिक से आप फ्री में बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक ये बैकग्राउंड है, इसको मैंने ले लिया, और ये मैंने क्या कर दिया, इसके पीछे लगा देता हूँ मैं, ये लो बैकग्राउंड लगा दिया। एक स्टोरी कैसे बनती है, स्टोरी में यही एक कैरेक्टर काम करता है, पीछे बैकग्राउंड होता है। ये तो खैर एक मैंने जैसे शुरुआत में आपको बोल दिया था, ये एक एंटरटेनमेंट के लिए है। स्टोरी यूट्यूब पर बनती है वो इस टाइप की नहीं बनती है। इसको क्रॉप करके इस इमेज का साइज बराबर करेंगे स्टोरी के हिसाब से, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब देखिए ये, नमस्ते बालको, कैसे हो? ठीक है, अब एक कैरेक्टर ये हो गया। अब एक कैरेक्टर, अब हमें और भी कैरेक्टर लगाने, मान लो आपकी स्टोरी के अंदर अब जैसे ये बोल रहा है, तब और भी कैरेक्टर लगाने, तो आप क्या करोगे, दूसरे वाले कैरेक्टर का भी इसी तरीके से ग्रीन स्क्रीन करके उसको भी लगा सकते हो। जो ग्रीन स्क्रीन वाले क्रोमा टून से यूज़ कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, उनको एनिमेशन करवाना नहीं आता है, तो उसी के लिए एडोबी एक्सप्रेस आ गया है, इसमें आप बना सकते हो। यहाँ पर अभी भी ये रैपिंग अभी चल रहा है, तो ये हो जाएगा तो आपको पता ही है, इसको डाउनलोड करके यूज़ करना है। और दो कैरेक्टर यूज़ करने, तो दोनों का वो सिंपल चीज़ है, दोनों के आप क्या करोगे, उसको ग्रीन स्क्रीन करवा दोगे, और मुंह इधर उधर करवाने तो उसके लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल होता ही है, वो आप कर सकते हो। जैसे कि दो कैरेक्टर यूज़ करने, मान लो ये दो कैरेक्टर थे, ये दो कैरेक्टर हो गए, रोटेट में जाके इसको रोटेट करवा दो। अब जैसे हमने इसको क्या कर लिया, कॉपी करके एक और डाल दिया, तो दो कैरेक्टर हो गए। इसी जगह पे अलग अलग दो कैरेक्टर होते तो आप इस तरीके से सेट कर सकते थे। और दोनों का मुंह अगर आमने सामने करना है तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लो, यानी कि उसको फ्लिप करवा दो, इस तरफ मुंह हो जाएगा कैरेक्टर का, और दोनों बात करते हुए आप दिखा सकते हो। अब किसी जगह पे एक चीज़ आ सकती है कि एक कैरेक्टर बोल रहा है तो दूसरा वाला चुपचाप खड़ा रहना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो कैरेक्टर आपने लिया है उसका छोटा सा आप क्या करो, पार्ट क्या कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो एक कैरेक्टर चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरा वाला बात करता रहेगा। फिर अगर दूसरा वाला बोल रहा है और फर्स्ट वाला चुपचाप है, तो उसके लिए वापस वही चीज़ है, स्क्रीनशॉट लेके उसको पोज कर दो, ताकि एक बोलेगा तो दूसरा केवल सुनता हुए दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के काम कर लेना, इसमें आपका हो जाएगा। और फाइनल आप वीडियो एक्सपोर्ट करके एनिमेटेड वीडियो बनाना है तो बना सकते हो। अब देखो, ये मैंने शुरू में बताया कि ये कोई खास तरीका नहीं है, एडोबी एक्सप्रेस में उतना बेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जो आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हो, स्क्रीन पर आप ये देख रहे हो, ये एनिमेशन जो सीखा हुआ है, 2D एनिमेटर है, 3D एनिमेटर है, वही काम करता है। 2D एनिमेशन सीखना है तो मैं सिखाता हूँ, वेबसाइट पे लिंक दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये एडोबी एक्सप्रेस का वीडियो पसंद आया होगा, जो चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए वो क्लियर हो गई होगी। कमेंट करके बता दो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। नमस्कार।